दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे स्मार्टफोन का। ये हमारे फोन का हार्ट और ब्रेन है। जितना अच्छा प्रोसेसर उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस और उतनी ही बैटरी इफिशियंट होता है एंड हीटिंग प्रॉब्लम भी कम होता है। दोस्तों मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग का एक्सिनोस, एप्पल का बायोनिक। सो दोस्तों इनमें से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है मल्टीटास्किंग के लिए, गेमिंग के लिए, और ये प्रोसेसर किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो दोस्तों आजकल जितने भी स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं उनमें मोस्टली आपको क्वालकॉम नहीं तो मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, मोस्टली बजट फ़ोन में। दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन को कैजुअली यूज़ करते हैं ओनली फॉर कॉलिंग वगैरह और नॉर्मल यूजेस के लिए और वीडियो देखने के लिए, तो आपको मीडियाटेक का G35 नहीं तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450, 460 इन प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। अब आते हैं वो प्रोसेसर जिसपे आप मल्टीटास्किंग के साथ ठीक ठाक गेमिंग भी कर सकते हैं। इसमें आते हैं मीडियाटेक के G70, G80, G85 और क्वालकॉम के 662, 665, 678 जो नॉर्मली कैपेबल है ठीक ठाक गेमिंग के लिए, और ये आपको 10,000 से लेकर 11,000 तक के प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको एक बात पे ज़रूर ध्यान रखना है स्मार्टफोन को परचेस करते समय, फर्स्ट तो ये जितना बड़ा प्रोसेसर का सीरीज होगा, और दूसरा आपने अक्सर ज़रूर देखा होगा प्रोसेसर के आगे कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे कि 6 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर। ये नंबर जितने छोटे होते जाएंगे प्रोसेसर उतना ही पावर इफिशियंट होगा और पावरफुल होगा। सो गाइस चूज अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं उन प्रोसेसर की जिनका प्राइस रेंज है 11,000 से लेकर 15,000 तक, और ये प्रोसेसर कैपेबल होते हैं मल्टीटास्किंग के साथ फ़ोन में अच्छी खासी गेमिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको इस रेंज में स्नैपड्रैगन का 710, 712, 720G और मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 जो कि एक 5G प्रोसेसर है। दोस्तों अगर आपका बजट 15,000 से लेकर 20,000 तक है और अगर आप अपने फ़ोन में अल्ट्रा गेमिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और वो भी हाई सेटिंग पे गेम को इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप मीडियाटेक प्रोसेसर का G90, G90T, G95, G96 एंड डायमेंसिटी 700 एंड क्वालकॉम प्रोसेसर की बात करें तो आप 730G, 732G, 750G, 765G, 768 बेस्ट प्रोसेसर हैं गेमिंग के लिए, और इन प्रोसेसर पे आप BGMI, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं। अब बात करते हैं उन प्रोसेसर की जो अबाउट 20,000 मिलते हैं। अगर दोस्तों आपके पास बहुत पैसे अपने पास और अगर आपको हैवी गेमिंग करना है, नहीं तो आपको अपने फोन में टॉप लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप लोगों के लिए स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+, 865, 855, 888, 888 प्लस। मीडियाटेक की बात करें तो डायमेंसिटी सीरीज 1000, 1000 प्लस, 1100, 1200। सैमसंग एक्सिनोस की बात करें तो आप 880, 990, 2000 को कंसीडर कर सकते हैं और आप बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और ये जो सारे प्रोसेसर हैं आपको मोस्टली हाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन को सिलेक्ट करना जो आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताइए इनमें से सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपको कौन सा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।